आई होप इससे और टैलेंट आएगा और आगे जाके लाहौर के अंदर को रिप्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह। जब भी लाहौर के अंदर के टूर्स होंगे उसमें ये सारे लड़के होंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्रिकेट के साथ अगर ये पढ़ाई होगी तो और भी ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप मिलेंगे इनको, तो आई फील कि ये लड़कों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी कभी हमने खैर नहीं, जब भी हम ट्रायल पे आए हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि एक स्कॉलरशिप वगैरह भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये इनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आई होप इससे काफ़ी अच्छा टैलेंट नज़र आएगा। और लाहौर कलंदर ने जब भी प्राइज़ लिए हैं उससे अच्छे प्लेयर्स नज़र आए हैं और उन्होंने PSL में भी टीम को रिप्रेजेंट किया है और PSL के बाद पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी वो खेले और फिर अलग जाके लीग्स भी खेले। सो आई होप उसने ये आज ट्रायल में चीफ सेलेक्टर आए में ये देखेंगे इंशाल्लाह। और आई होप कि इससे अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे और पाकिस्तान को अच्छी जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे अपना वक्त याद आ गया जिस तरह मैं भी इसी तरह ट्रायल देने के लिए आया था 2017 में गुजरांवाला के अंदर, और आज जिस तरह ये सारे बच्चे मेरे ख्याल से जिस तरह मैं उम्मीद लेकर आया था और ये सारे बच्चे भी उसी तरह उम्मीद लेकर आए हुए हैं, तो आज काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि जिस फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल देने के लिए आया था आज उनके लिए बच्चे भी कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये इन लोगों की जो प्यार हमारे से मोहब्बत और जिस तरह इन्होंने हमें रखते हैं, तो अभी मैं जिस तरह आया हूँ और यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा टैलेंट आया हुआ है, काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं और जिस तरह 3-4 बॉलर भी मेरे को सेलेक्ट किए और अभी काफ़ी टाइम है शाम तक, तो आई होप कि और काफ़ी अच्छे बच्चे मिलेंगे जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे। जिस तरह यहाँ पे सिर्फ बच्चे सिर्फ क्रिकेट ही खेलेंगे, जिस तरह अभी बताया उन्होंने कि यहाँ पे एजुकेशन मिलेगी, जिस तरह आपको BSc स्पोर्ट्स के फिजिकल स्पोर्ट्स और जिस तरह भी वहाँ पे जो आपकी डिग्री होती है साथ साथ आपको वो भी मिलेगी यहाँ बच्चों को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सारा सारा बच्चे मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी का ही वेट करते रहते हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले और वो जाके अपना टैलेंट जो शो करें। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं जो बच्चे आए हुए हैं और अच्छा अच्छा टैलेंट हमें नज़र आए ताकि वो पाकिस्तान को आगे जाके सर्व कर सकें। ये आज वाला जो टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहा है, चीफ सेलेक्टर हमारे सामने बैठे हैं, तो कलंदर ब्रदर्स हैं। लाहौर के बाद और दूसरी जगह पर क्योंकि फैसलाबाद गुजरांवाला क्रिकेट शहरों में भी बड़ा टैलेंट मौजूद होता है और जो प्लेयर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाते किसी वजह से वो कहीं उधर वाले भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उधर कब प्रोग्राम बना रहे हैं गुजरांवाला फैसलाबाद? देखिए पहले हम ये काम करते थे शहर शहर जाके, अब ये हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर अवैस, हमारा विजन यही है कि अब लोग हमें अगर वीडियो भी बना के भेज देंगे हमारा जो कोचिंग सेंटर है, अगर उनको सिलेक्ट करता है तो मैं और अवैस भी जाके उनको वहां से ले आएंगे, हमें उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ये 365 डेज होगा, तो कोई भी बच्चा कभी भी यहाँ पे ट्रायल दे सकता है। अगर उसमें शहीन आरएस का अगर जो टैलेंट है तो फिर वो हमारा है। आदि भाई ये बताइएगा कि आकिब जावेद लाहौर कलंदर के कोच, 8 साल उन्होंने लाहौर कलंदर की जो है खिदमत की है और नेशनल ड्यूटी की वजह से जो है वो आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो नए कोचेज के बारे में बताएंगे कि किसको ला रहे हैं नया कोच? देखिए लाहौर कलंदर जो है ना शुरू से आप अगर हमारी जर्नी देखें तो हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, हम शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करते। हमने ये प्रोसेस बनाया और जो हमारा विजन था प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का उसके लिए हमने आकिब भाई को एंगेज किया और जिस तरह ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने हमारे साथ मिल के काम किया 126 प्लेयर इस इनिशिएटिव से सामने आए। सो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान को जब जब किसी की जरूरत पड़ेगी तो आकिब क्या हमारी गांधी हाजिर है पाकिस्तान की। सो अगर वो नेशनल लेवल पे जाके वही काम जो लाहौर कलंदर करता है अगर वो नेशनल लेवल पे करेंगे, तो जिस तरह फैसल भाई ने कहा कि पूरी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ उनका बड़ा जबरदस्त सफर गुजरा और वो भी कलंदर ब्रदर है, पार्ट ऑफ फैमिली है, बट डेफिनेटली पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। दूसरा आपने बात की कि अब कौन होगा, तो बैठे हुए हैं कप्तान। सो देखिए मेरा अच्छी बात ये हुई मेरी जिंदगी में कि जब से शाहीन हमारा कप्तान बना तो क्रिकेट की मुझे फिक्र नहीं रही, फिर वह शाहीन जाने और उसका काम जाना।